नमस्कार, खास मुलाकात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बचपन से सुनते आए हैं कि जल ही जीवन है, लेकिन आज का सत्य ये है कि अगर जो पानी हम पी रहे हैं वो दूषित है तो वो मृत्यु का कारण हो सकता है। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराऊंगी जिन्होंने भारत को स्वच्छ पानी देने का जिम्मा उठाया। जी हाँ, आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। डॉक्टर महेश गुप्ता, फाउंडर एंड चेयरमैन केंट आरओ सिस्टम्स लिमिटेड। डॉक्टर गुप्ता, आपका स्वागत। नमस्कार। जैसे मैंने कहा सर, जल ही जीवन है, लेकिन हाल ही में हमने अभी राजस्थान में भी देखा और भारत के कोनों कोनों से ये खबरें आती रहती हैं कि वाटर बोर्न डिजीज से बच्चे खास करके बहुत जल्दी बीमार भी होते हैं और भगवान, कई बार होता है ऐसा कि सर वो बच भी नहीं पाते हैं। आप तो सर IIT कानपुर से ग्रेजुएट हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं और एक अपनी, आई थिंक योर फादर वाज आल्सो फ्रॉम द सैलरीड क्लास, आप भी एक अपनी नौकरी में थे। ये एकदम से आपने कैसे जिम्मा उठा लिया कि भाई मैं दूषित पानी के अगेंस्ट एक मतलब जंग सी छेड़ी हुई है, आपने कहाँ से आई ये सोच? देखिए, ये सोच अपने एक्सपीरियंस से आई हमें। हमने कोई वाटर प्योरीफायर यूज़ नहीं किया था, नल का पानी पीते थे। सर कौन से वर्ष की बात कर रहे हैं? मैं करीब 97 की बात कर रहा हूँ। और मेरे दोनों बच्चों को जॉन्डिस हुआ और मालूम पड़ा कि ये पानी की बीमारी की वजह से हुआ है, तो फिर सोचा गया घर में एक प्योरीफायर लगाना चाहिए। अब वो प्योरीफायर को ढूंढने निकले तो बाज़ार में जो ढूंढे तो अब टेक्निकल आदमी है, देखा तो उसमें से बैक्टीरिया वायरस तो मारते थे लेकिन पानी में जो चीज़ घुल जाती थी वो निकालते नहीं थे। रिसर्च करी गई अपने आप कि क्या चीज़ इस तरह की हो सकती है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस प्योरीफायर होते हैं जो पानी में जो घुली हुई चीज़ है वो भी निकालते हैं। यहाँ मिलते नहीं थे देश में, तो विदेशों से कुछ कंपोनेंट मंगाए गए, उसको अपना एक प्योरीफायर बनाया गया। और अपना एक प्योरीफायर बनाया गया मतलब आपने पहला जो बनाया था अपने घर में अपने बच्चों के लिए? अपने घर में अपने बच्चों के लिए बनाया मैंने और वो अच्छा चला। तो तब अपने को आइडिया आया कि अगर इस तरह की चीज़ बाज़ार में अवेलेबल नहीं है तो क्यों ना इसको बना के बेचा जाए बाज़ार में। तो तब ये ख्याल आया, तो उसको तब हमने 98 में इस बिजनेस को शुरू किया। सर तब आपने सोचा था कि इतना बड़ा मार्केट शेयर और मतलब 18-20 साल में ही यू विल बी अ हाउस होल्ड नेम? बहुत मुश्किल रही पड़ी मेरे को, बड़ी दिक्कतों से जूझना पड़ा हमने को, क्योंकि ये प्योरीफायर जब बना बहुत महंगा था। करीब हम लोग ने 20,000 रुपये में बेचना शुरू किया 98 के अंदर, और उस वक्त हम लोग ऐसा कम्पीट कर रहे थे एक ब्रांड नेम से जो कि एक सिनोनिमस था वाटर प्योरीफायर से। वाटर प्योरीफायर नहीं बोलते थे, उस ब्रांड नेम को बोल के वाटर प्योरीफायर खरीदा जाता था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ रही हूँ। और उसको 5-6 हज़ार रुपये में उस वक्त वो मिलता था, वो तो चार घर में जा जा के बेचते थे, जाके बेचते थे। तो उसका नाम था उस प्योरीफायर का, 4,000-5,000 रुपये का प्योरीफायर, 4 गुना महंगा, और हमको बेचना, तो हमको बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी इसके लिए। 5 साल तो हम लोग कैसे हम लोगों ने काटे हैं जिंदा रहने के लिए, हमको पता है इस चीज़ के लिए। बट सर आप मतलब उस जद्दोजहद, उस स्ट्रगल के साथ आपने निकल के मतलब टुडे आई थिंक अगर हम लोग आरओ की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे जबान पे केंट का नाम आता है, और कोई आता ही नहीं कि यार हमने मेरे घर में केंट है पानी के लिए, तो फिर वो कहेंगे नहीं तो शायद कोई और, कोई छोटी मोटी कंपनी जो और हैं उनके लगाते हैं, तो मतलब बट केंट मीन्स आरओ। तो सर कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्शन तो फील होती है कि यस टुडे आई एम सिनोनिमस विद आरओ। देखिए, उसको सेटिस्फैक्शन तो है लेकिन मैं ये नहीं समझता कि मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। अच्छा? इसलिए नहीं सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि अभी हमें बहुत बड़ा सफर तय करना है। सही, हम लोग अभी इस देश के अंदर सिर्फ 2% लोगों तक पहुँच पाए हैं पूरी इंडस्ट्री। अब आप समझ सकते हैं कि 98% लोग अभी भी एक अच्छा प्योरीफायर नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो आपने कही, आपने बिल्कुल सही बात कही है, मैं सिर्फ इसका कारण जानना चाहती हूँ क्यों नहीं अच्छा प्योरीफायर इस्तेमाल कर रहे। भाई हम लोगों को नॉलेज नहीं है, हम लोग इसको बिना बात का खर्चा समझते हैं, या जैसे आज हमारी भारत की जनता में लाखों लोग ऐसे हैं जो एफर्ड नहीं कर सकते, क्या कारण है? दोनों कारण है। सबसे पहला कारण हमारी अज्ञानता है। अभी भी किसी को पूछो भाई पानी खराब है, दूषित है, तो उसको क्या करना चाहिए? ये मान्यता है कि पानी को बॉईल करें और पानी को बॉईल करके ठंडा करके फ्रिज में रख के पी लें तो हमारी पानी की बीमारियां बच जाएंगी इसके अंदर। एक तरफ से मान्यता ठीक है, अगर उसमें बैक्टीरिया वायरस है पानी को बॉईल करने से वो मर जाते हैं। बच्चे को लोग कहते हैं भाई बॉईल करके पानी दे दो, तो बैक्टीरिया वायरस को मार के करने की बात आती है। बट हम लोग साइमल्टेनियसली ये भूल जाते हैं जो पानी में बैक्टीरिया वायरस के अलावा उससे ज़्यादा तकलीफ है, जो पानी में घुल गई है शुद्धियाँ। हमने पानी को अपने दूषित कर दिया है,
जो हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो बिना हुए नदी में पानी जाता है, वो इंडस्ट्रियल वेस्ट पानी में जाता है, पेस्टिसाइड्स पानी में जाते हैं। अब ये जब पानी म्यूनिसिपैलिटी प्रोसेस करती है तो ये घुली हुई अशुद्धियाँ उसमें से निकलती नहीं है। ये घुली हुई अशुद्धियों की वजह से ज़्यादा बीमारी है, कैंसर्स हो गए और जो जानलेवा बीमारी हैं ये पानी में घुली हुई अशुद्धियों की वजह से होती हैं और ये सिर्फ आरओ प्योरीफायर से निकलती हैं। तो ये शिक्षा देते देते हमारी जान निकल जाती है लोगों को समझाते हुए, ये जरूरी है, ये जरूरी है। लेकिन सर मैं इसमें देखो एक आपसे एक आपत्ति करूंगी। सर हमारे यहाँ तो ये है कि जैसे हर कहते हैं ना हर 100 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है, तो सर हर 100 किलोमीटर या उससे भी कम के ऊपर हमारे पास वाटर कंटेमिनेशंस भी बदल जाते हैं। तो क्या मतलब भाई अब यहाँ पर तो अगर मतलब कहीं पर सर फ्लोराइड है, कहीं पर कोई और इंसेक्टिसाइड है, कहीं पेस्टिसाइड है, तो सर फिर क्या वो अलग अलग आरओ है क्या सबके लिए? नहीं नहीं नहीं, ये जो हम लोगों ने अब आरओ तकनीक बना के लाए हैं जी, और इसमें कोई भी तरह का आप पानी दे दीजिए, या म्यूनिसिपल का पानी दे दीजिए, या ट्यूबवेल का पानी दे दीजिए, या कंटेमिनेटेड पानी दे दीजिए, हमारा प्योरीफायर किसी भी पानी को प्रोसेस करके आपको बिल्कुल स्वच्छ पानी दे देगा, ये हम लोग गारंटी लेते हैं आपसे। ये तकनीक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों ने नई नई टेक्नोलॉजी लाए हैं। 2006 में हम लोग ऐसी टेक्नोलॉजी लाए जिसमें पानी में जरूरी मिनरल्स भी बरकरार रखते हैं, जो कि लोग बोलते हैं आरओ से पानी में मिनरल निकलते हैं, वो भी हम लोगों ने तकनीक को ठीक कर दिया। सर एक मिनट, मैं इसको दोबारा पूछना चाहूँगी क्योंकि देखिए मैं माफ़ी चाहूँगी लेकिन मैं भी बहुत हद तक ये मानती हूँ कि पूरा जो पानी पियो ना उसमें से कम 20% आरओ का नहीं होना चाहिए। ये बात अलग है कि जब भी मैं नहीं पीती तो बीमार पड़ जाती हूँ क्योंकि, बट वही सर यही वाली बात आती है कि सिर्फ आरओ का पानी पियोगे तो बहुत सारे मिनरल्स शरीर में कम हो जाएंगे। तो एक बार आप ये पॉइंट दोबारा समझाइए सर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मिनरल पानी आरओ क्यों लगाया हमने, पानी में से घुली अशुद्धियाँ निकालनी, बिल्कुल सही। तो ये बिल्कुल सही बात है, जब आरओ प्रोसेस लगा देते हैं तो जो अशुद्धियाँ निकालते हैं तो साथ में जरूरी मिनरल्स भी बाहर निकाल देते हैं। तो नॉर्मल आरओ प्योरीफायर लेंगे तो ये तकलीफ होने की उम्मीद है। ओके okay. हम लोगों ने केंट के आरओ को हम लोग मिनरल आरओ प्रोसेस बोलते हैं, मिनरल आरओ प्रोसेस, मिनरल आरओ प्रोसेस, मिनरल्स आर रिजर्व्ड, जरूरी मिनरल्स हैं उसमें बना के रखे जाते हैं उसके अंदर। ओके okay. ये हमारी तकनीक। सर देखिए आरओ को लेके एक और जो मतलब चिंता का विषय रहता है वो है कि आरओज में वाटर वेस्टेज बहुत होता है। ऐसे लगता है भैया एक बोतल पानी निकलता है तो एक बोतल पानी पीने का निकलता है तो 3 बोतल पानी उसमें से वेस्ट हो जाता है। वाटर वेस्टेज को लेके आप क्या मानते हैं आरओ सिस्टम्स के हिसाब से, हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम अभी वापस आते हैं। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं खास मुलाकात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज के दिन जो मिडिल क्लास के घर हैं उनमें सभी में आरओ लगा हुआ है ज़्यादातर, और ये कई बार एक चर्चा का विषय होता है कि जी पानी उसमें वेस्ट बहुत होता है और कई लोगों को ये भी लगता है कि भाई जो पानी मतलब अलग निकल रहा है अब ये तो भाई किसी भी लायक नहीं है, इसको हम पौधों में नहीं डाल सकते, घास में नहीं डाल सकते। पर सर ऐसे पानी वेस्ट होता देखो जी तो दुखता है। नहीं, आपका कहना सही है बट मैं ये बताना चाहूँगा, ये आरओ जो है फिल्ट्रेशन प्रोसेस नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो दूषित पानी जा रहा है जिसमें घुली हुई अशुद्धियाँ उसमें से अच्छा पानी निकाल रहे हैं और बाकी चीज़ को वहाँ छोड़ रहे हैं। ओके okay. तो इस पानी में देखने में साफ पानी नज़र आता है बट आप इसमें देखेंगे कि सारे जो दूषित सब्सटेंस हैं वो सब इस पानी के साथ जा रहे हैं, जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, फ्लोराइड है, आर्सेनिक है, वो सब उसके साथ में जा रहे हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम पानी को धो रहे हैं उसी पानी से, अच्छा पानी निकाल रहे हैं बाकी पानी छोड़ रहे हैं। बट फिर भी मैं कहूँगा कि ये पानी जो है बेकार पानी नहीं है। हर घर में हम लोग ये रिकमेंड करते हैं कि इस पानी को इकट्ठा करके और इसमें से पोछा लगाने के काम कर लीजिए आप। अगर आपको 10 लीटर अच्छा पानी चाहिए तो 20 लीटर पानी आपका निकलेगा एक दिन में, बिल्कुल। और 20 लीटर पानी से आप पोछा बड़े आराम से लगा सकते हैं, नंबर एक बात। बिल्कुल। नंबर दूसरा, मेरे को ये भी बताते हुए खुशी हुई है, केंट ऐसा आरओ प्योरीफायर लाए हैं जिसमें ये जो दूषित पानी होता है इसको भी हम इकट्ठा करके एक टैंक में स्टोर करके रखते हैं। तो हमारे प्योरीफायर में 2 टैंक होते हैं, एक टैंक में शुद्ध पानी रहता है और दूसरे टैंक में इस रिजेक्टेड पानी रहता है। इस पानी को आप कभी भी निकाल के पोछे के काम में भी ला सकते हैं और बर्तन धोने के भी काम में ला सकते हैं। झूठे बर्तन है, एक बार तो आप किसी पानी से धोएंगे उसको, तो उस पानी से आप झूठे बर्तन को धो सकते हैं, बाद में स्वच्छ पानी से दोबारा धो सकते हैं। तो मतलब वो ऐसे जो ड्रेन नहीं होता है वो वहीं पर कलेक्ट हो रहा है, तो वाटर वेस्टेज हमारी खत्म, जीरो जीरो वाटर वेस्टेज प्योरीफायर है हमारा। तो आरओ प्योरीफायर है हमारे पास जिसमें मिनरल रहते हैं, आरओ प्योरीफायर है हमारे पास जिसके अंदर पानी बिल्कुल वेस्ट नहीं होता। लेकिन सर एक चीज मैं पूछूं भाई, यही पानी तो हम लोग घर में पौधों में भी दे रहे हैं, भाई पौधों में तो आरओ का पानी नहीं दे रहे,
तो हम लोग इसको पौधों में नहीं डाल सकते? पौधों में भी डाल सकते हैं, ये डिपेंड करेगा कि कितनी उसकी टीडीएस थी, कितनी अशुद्धियां थी उसके अंदर से। अगर बहुत ज्यादा अशुद्धियां होती तो प्लांट ना मर जाए उससे। हाँ, प्लांट को भी सही बात है, वो बेचारा वैसे ही हमने उसको इतनी परेशानियां दे रखी आज के दिन, पौधों को और जानवरों को। बिल्कुल मानती हूँ आपकी बात। सर एक बात मुझे बताइए, 1998-99 में जब आपने ये काम शुरू किया तो ये ब्रांड एम्बेसडर वाला ख्याल आपको कब आया? ये मैंने जैसे आपको बताया, हमको 5-6 साल बहुत तकलीफ हुई क्योंकि हमारा कोई ब्रांड नहीं था। लोग खरीदते थे क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा था, नहीं तो हम जिंदा ही नहीं रहते। हाँ भाई, लेकिन एक को लगाया तो दूसरा बोलता ले लेता। लेकिन हम पब्लिक में जाने के लिए जब सोचते, पता नहीं ये कंपनी कल रहेगी नहीं रहेगी, इसका प्रोडक्ट अच्छा है नहीं अच्छा है, जनरल पब्लिक को परसेप्शन नहीं था। तो उस वक्त हमें रियलाइज हुआ कि जब तक हमारा ब्रांड नेम नहीं बनेगा तब तक लोग इसको मतलब ज़्यादा वॉल्यूम में नहीं खरीदेंगे इसको। तो उस वक्त हमने डिसाइड किया कि हमको टेलीविजन में जाना चाहिए ताकि लोगों तक हम पहुंच पाएं। बट वाई हिमा मालिनी? उस वक्त ये डिसाइड हुआ कि ब्रांड एम्बेसडर इसलिए लेना पड़ता था, उस टेलीविजन प्रोग्राम में बगैर ब्रांड एम्बेसडर के आप एडवर्टाइज करोगे तो आपको 10 बार इंसर्ट करना पड़ेगा। ब्रांड एम्बेसडर ले लेंगे तो 3 ही बार इंसर्ट करना पड़ेगा, उसका एफिशिएंसी वही आती है। और दूसरा, लोगों को ज़्यादा विश्वास होता है भाई, अगर एक ब्रांड एम्बेसडर उसको बोल रहा है तो उसको बोलते हुए मानने से लोगों को ज़्यादा विश्वास होता है कि प्रोडक्ट अच्छा है। नहीं, तो फिर हमने कहा ब्रांड एम्बेसडर लेना चाहिए। आपने फिर हेमा मालिनी को क्यों चूज़ किया? हेमा मालिनी जी को हमने चूज़ इसलिए किया कि हम किसको एड्रेस कर रहे थे, हम एक घर की गृहिणी को एड्रेस कर रहे थे। घर की गृहिणी को एक हम लोग फीमेल फिल्म स्टार से एड्रेस करना एक अच्छी बात समझी जाती थी, जो कि एक मदर की एक भूमिका जो बता सकते हैं, मैच्योर एंड सेंसिबल लाइक ए मदर, क्योंकि एक मदर बोले भाई ये चीज़ अच्छी है तो उसको ज़्यादा विश्वास किया जा सकता है। तो वो हमारे उसमें फिट हुई और सबसे मशहूर एक्ट्रेस थी तो इसमें तो कोई दो राय नहीं थी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उनका आना हमें और ज़्यादा अच्छा लगा। वो माँ थी, दो बच्चों की माँ थी वो। हाँ। अच्छी मतलब, तो उनको एक अच्छा हमें पोर्ट्रे करना लगा, उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल था। जब हमने उनको बताया तो नई चीज़ होगी क्योंकि वाटर प्योरीफायर के लिए क्या जरूरत है। नॉट ओनली दैट, वो बहुत कम ब्रांड को एंडोर्स करती थी और अभी भी कम ब्रांड को एंडोर्स करती है। तो उन्होंने कहा कि भाई पहले हम इस्तेमाल करेंगे फिर आपकी बात मानेंगे। कहते अच्छा कॉज है आपका, जो कि आज इतने सालों बाद बहुत जगह ये बात हो रही है ब्रांड एम्बेसडर्स के लिए कि आप अपने प्रोडक्ट को वेरीफाई करें। तो उन्होंने पहले 6 महीने हमारा पानी पिया और उनको लगा हाँ ये तो पानी तो टेस्ट में भी अच्छा है, प्योरिटी में भी अच्छा है। तो उन्होंने कहा हम जरूर आपका करेंगे। सर अभी आपने एक बात कही कि पानी जैसे टेस्ट में भी अच्छा है, प्योरिटी में अच्छा है, लेकिन हमारे बहुत लोगों के घर में आरओ लगे हुए हैं। बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिसके घर में कंटेंट आरओ भी लगे हुए हैं और वो जब वो सर्विसिंग का एक टाइम आता है, वो फ़ोन आता है कि जी कर दीजिए, तो वो हो जाती है सर्विसिंग भी टाइम पे। कई बार हम कहते हैं नहीं अभी मैं व्यस्त हूँ, बाहर जा रहा हूँ, 2 महीने बाद करा लूँगा। सर ये कैसे पता चले डे टू डे बेसिस के ऊपर कि भाई मेरा आरओ मेरे को, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को जो पानी पीने को दे रहा है वो शुद्ध पानी ही दे रहा है, कहीं उसके फिल्टर्स पुराने हो गए, कुछ हो गया है? डे टू डे वाटर की टेस्टिंग हम सर लैब में तो ले जा नहीं सकते। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल, हम लोगों ने यही तो काम किया, हमने अपने प्यूरीफायर में फिल्टर चेंज अलार्म लगा दिया कि अच्छा। जब भी फिल्टर की लाइफ खत्म होती है तो फिल्टर का अलार्म बजना शुरू हो जाता है 50 घंटे पहले। अच्छा, और उसके बाद में अब तभी भी आपने फिल्टर नहीं बदला तो मशीन काम करनी बंद कर देती है, बोले तुम नहीं सुधरोगे भैया मैं सुधार दूंगा। तो एक आदमी को मतलब 50 घंटे का टाइम दिया ऑपरेशन के लिए कि भाई आप फिल्टर बदलवा लें। सर आजकल तो कुछ एप्लीकेशंस का भी जमाना है ना कि भैया ऐप पर आ जाता है सारा कुछ, ऐसा भी कुछ सोच रहे हैं? बिल्कुल, हमने अब डिजिटल आरओ अभी लॉन्च किया है, इसके अंदर आपका एक डिस्प्ले स्क्रीन दिया टच स्क्रीन में, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन उसमें आती है, कितना पानी बन रहा है उसमें, कम पानी है तो फिर मालूम है फिल्टर खराब हो रहे हैं, मेम्ब्रेन खराब हो रही है उसके अंदर से, कब फिल्टर आपने बदला था, उसकी कितने घंटे लाइफ बाकी है, वो सारी चीज डिस्प्ले करके आपको बताता रहता है। आपकी शुद्धता पानी की है नहीं है वो भी दिखाता रहता है। okay. कि आपका आपके पानी में मिनरल्स कम है या मिनरल्स ज्यादा है उसके अंदर से, वो भी दिखाता रहता है कि क्वालिटी ओके नहीं है। तो हमने एक कंज्यूमर की लाइफ बहुत आसान कर दी है उसको कॉन्फिडेंस देने के लिए कि आपका पानी बिल्कुल सही आप पी रहे हैं उसके अंदर। सर मेरे को जो मेरा पहला फिल्टर याद है और वो सर आपने भी जरूर देखा होगा, वो सर स्टील का बड़ा सा होता था, उसमें कैंडल लगी होती थी, ऊपर वाले में पानी भर देते थे वो नीचे आ जाता था, और मेरे ख्याल से हर तीसरे चौथे दिन मुझे याद है मम्मी उस कैंडल को निकाल के बड़े रगड़ रगड़ के धोरी होती थी, फिर बॉईल करती थी और वो बड़े वो फिर वो कैंडल पतली पतली हो जाती फिर उसको फेंक के फिर जी नई कैंडल आती थी और फिर कुछ भीनी भीनी मिट्टी की खुशबू आती थी उसमें से। वो ज़माने गए सर, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे हमारे पास हैं कहीं पर जहाँ पर भाई हो सकता है बिजली नहीं इतनी देर रहती हो, या आज भी बहुत ऐसे गाँव हैं कि सर जहाँ बिजली नहीं है। बिजली के बिना तो कोई बीमार नहीं होगा सर, लेकिन स्वच्छ पानी के बिना बीमार हो जाएंगे।
बिना बिजली का कोई वाटर प्योरीफायर कैंट करता है? बिल्कुल, हम लोगों ने इस चीज़ को सोचा गया कि ये प्योरीफायर अभी भी हम लोग 16-17 हज़ार रुपये का बेचते हैं, जो कि हर एक आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल सर, हमें ऐसे हमारे परिवार हैं जिनके पास कम कीमत से एक अच्छा प्योरीफायर मिले जिसमें पानी में से कम कोई बैक्टीरिया, वायरस और सिस्ट ना हो। आप जानेंगे कि सबसे ज़्यादा गांवों में बीमारी सिस्ट से होती है। आपने गोबर पाथा, आप टॉयलेट्स गए, आपने हाथ साफ नहीं किए, उसी से आपने पानी का अगर ले लिया घड़े में पानी, आप हाथ डाल दोगे तो पानी दूषित होके और सिस्ट सबसे ज़्यादा तकलीफ करती है उस केस में। तो हमने ये प्योरीफायर बनाया है जो ग्रेविटी से काम करता है, बिना बिजली के काम करता है और पानी में से सारे बैक्टीरिया, वायरस और सिस्ट निकाल के आपको स्वच्छ पानी देता है उसके। तो इसकी कीमत भी सर? हाँ, हमारी 1400 रुपये से लेके और 2500 रुपये तक का ये प्योरीफायर आता है। अपनी एक लो मिडिल क्लास फैमिली इसको इजीली अफोर्ड करती है और बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं आज की तरह। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ खास मुलाकात में हैं केंट के फाउंडर, जी हाँ, डॉक्टर महेश गुप्ता। सर, अभी आपने एक ये आर्ट ऑफ लिविंग को भी लेकर एक इनिशिएटिव शुरू किया है और गांव-गांव में जाके केंट वहाँ पर कार्य करने लग रहा है, थोड़ा बताइए उसके बारे में। देखिए, आदमी को एक हैप्पीनेस चाहिए अपने लाइफ में, लेकिन वो स्ट्रेस से परेशान है, उसको बहुत सारा काम करना है, कम समय उसके पास है और वो उस टेंशन की वजह से उसमें बीमारियां आती रहती हैं। तो हम चाहते हैं कि एक आदमी को स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट मिलने के लिए ये आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोग्राम्स हैं वो बहुत हेल्पफुल है। तो इस प्रोग्राम्स को हम लोग पॉपुलराइज करा रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में एंजॉय भी करें और काम भी करें। और एंजॉयमेंट जब आदमी में एक टेंशन निकालने के लिए ये प्रोग्राम्स ये दिखाते हैं उसको कि इस वक्त में जीना सीखते हैं। सही बात है। तो हमारा जो माइंड है वो पुरानी बातों को लेके परेशान रहता है और उसी में उलझा रहता है। उस आदमी ने मेरे को ये कह दिया, मैं ज़िंदगी भर उससे बोलूँगा नहीं, या तो पुरानी बातों से परेशान रहता है या वो परेशान रहता है कल मेरा क्या होगा, कल मेरे को बच्चों का क्या होगा, मेरे को पूरी जॉब रहेगी नहीं रहेगी। सही बात है सर। लाइफ पुरानी जो बीत गई बात उसमें नहीं, जो होने वाला है उसमें नहीं, जो आज है उसमें जीना सीखो। लेकिन मन की गति ऐसी है कि वो उसी बीच में पेंडुलम की तरह जाती रहती है। उसके लिए टेक्निक्स हैं, सांस के जरिए आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आर्ट ऑफ लिविंग प्रोग्राम्स वो सांस लेने की प्रक्रिया से, प्राणायाम से, सुदर्शन क्रिया से आपके माइंड के अंदर ऐसा असर छापता है कि आप प्रेजेंट के अंदर जीना सीख जाते हैं। तो ये प्रोग्राम्स लोगों को हेल्प करते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो चीज़ हमने सीखी है आर्ट ऑफ लिविंग से वो दूसरे लोगों तक भी पहुँचे। सर, केंट एक अपना आई थिंक वॉश हैंड्स वाले इनिशिएटिव में, स्वस्थ भारत स्वच्छ भारत में भी बहुत कार्य कर रहा है, तो वो कहाँ से? देखिए, हमारा एक कंपनी है, हमारी प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो हमें CSR प्रोजेक्ट में अब नया लॉ आ गया है। CSR से पहले भी हमारा मन रहता था सोशल काम करें, तो इस प्रोजेक्ट में हम विलेजेस के अंदर अपने टॉयलेट्स बनवा रहे हैं, साथ में लोगों को प्योरीफायर्स दे रहे हैं ताकि लोग एक स्वच्छ पानी पी सकें, और स्वच्छ अभियान में हम सरकार के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है सर। मतलब हम ये माने कि जैसे पानी, जो कि अभी हमने बात करा कि जल ही जीवन है, उसका एक आपने जिम्मा उठाया कि चलो भाई दूषित पानी की जगह जहाँ तक हो सकेगा मैं स्वच्छ पानी दूंगा, और इस चीज़ को आप, जैसे भी आपने कहा कि भी आपको लगता है सेटिस्फैक्शन नहीं क्योंकि रीच बहुत कम है, आप इसमें बहुत आगे तक जाना चाहते हैं, उसके लिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं ETV नेटवर्क की। लेकिन सर देखिए, चलिए पानी तो आपने शुद्ध कर दिया, लेकिन आज के दिन जो सब्जियाँ आ रही हैं सर, वो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो भी है वो सारा सर वो पानी से ही उन सब्जियों में भी तो सीप हो चुका है ना, जो हम लोग सांस ले रहे हैं। तो सर, इन सब चीज़ों के चलते हम लोग कितना स्वस्थ रह सकते हैं? मतलब ये भी तो सर, ये भी तुम्हारे को प्यूरिफिकेशन की इसमें सख्त ज़रूरत है, खास करके जब खास बच्चा छोटा है या कोई घर में बीमार है या कोई अस्थमा से पीड़ित है, जो कि आज के दिन बहुत बड़ा है। सो प्यूरिफिकेशन को लेके आप कहीं और कुछ सोच रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल सोच रहे हैं हम इन सब चीज़ों को। देखिए, ये बड़ी विडम्बना है कि हम लोगों ने अपनी हवा भी खराब कर ली, अपना पानी भी खराब कर लिया और अपने खाना भी खराब कर लिया। बिल्कुल सही। और अपना रहना सहना जो हमारा आपस का है वो भी हम लोगों ने प्रदूषित कर दिया। अब इस सब से निकलने के लिए हम लोगों का मन है कैंट में, हमने मुहिम छोड़ी हुई है कि इन सब चीज़ों को साफ करके छोड़ेंगे। इसी सिलसिले में हमने सब्जियों को धोने की एक मशीन बनाई है जिसमें पानी के सब्जियों के ऊपर लगे इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड सारे वॉश हो जाते हैं।
आप सब्जियों को लीजिए, एक बाल्टी में डाल दीजिए और एक ट्यूब उसकी जो हमारे अप्लायंसेज है उसकी ट्यूब उसमें डाल दीजिए और 20 मिनट के अंदर हम सब्जियों के ऊपर जितने भी लगे केमिकल हैं वो सब साफ कर देते हैं। ओजोन गैस बनती है, उस ओजोन गैस से O2 आयन, O2 गैस और O आयन बनता है, O आयन सारे केमिकल्स को निकाल के बाहर कर देता है और सब्जियाँ बिल्कुल खाने लायक बिल्कुल प्रदूषित नहीं रहती हैं और वो आपके लिए सेहतमंद रहती हैं। सब्जी फ्रूट अपना आप ऐसे करके साफ करके कर लीजिए घर के अंदर साफ। हम लोगों ने एयर प्यूरीफायर्स निकाले हैं। हाँ सर, क्योंकि वो ऑड इवन तो सक्सेसफुल बहुत ज़्यादा रानी। तो ऑड इवन तो सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, देखिए दो चीज़ें, या तो हम प्रदूषण कम करें, वो सरकार अपनी कोशिश कर रही है उसमें लगी हुई है। सर सब लोग वर्ल्ड वाइड देख रहे हैं सर, कहाँ हो पा रहा है? एक ऐसी होड़ में लगे हुए सर कमर्शलाइजेशन की, एक की दो गाड़ी, दो की चार गाड़ी। आदमी काम ज़्यादा करना चाहता है, जल्दी जल्दी जाना चाहता है तो उसको बगैर गाड़ी के पड़ता नहीं चलता सर काम। आज हम इतना कम्यूट करते हैं डिस्टेंसेस को, इट्स नॉट पॉसिबल। अब मेट्रो से जाएगा तो पता चलेगा घर से मेट्रो जाने में तकलीफ है उसको, फिर मेट्रो में उतर के वहाँ ऑफिस जाने में तकलीफ है उसको, वो कहता है इन सब तकलीफों को छोड़ के। बहुत लोग जाते भी है सर, पर उतने ही लोग हैं जो नहीं जाते हैं। हर तरीके से, हर तरीके के लोग हैं। अब पोल्यूशन अगर हो रहा है तो एक तो है कि उस पोल्यूटेड एटमोसफेयर में आप जिए, या ये है कि आप 16 घंटे में से 8 घंटे बेडरूम में और 8 घंटे आप ऑफिस में रहते हैं, अपने कमरे की हवा को साफ कर लें, उतना प्रदूषण आपको कम इफेक्ट करेगा, आपके लंग्स की कैपेसिटी को ठीक रखेगा। चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे वो जवान आदमी हों, हर एक आदमी के लिए एयर प्योरीफिकेशन अपने कमरे में करके आप पार्टिकुलेट मैटर को कम कर सकते हैं, गैस पॉइजनस गैस को कम कर सकते हैं। तो इस तरह के एयर प्योरीफायर भी हमने लॉन्च किए हैं। तो हम हवा के ऊपर भी काम कर रहे हैं, सब्जियों के ऊपर भी काम कर रहे हैं। आप अपने कमरे के अंदर एनवायरनमेंट को सही रखें तो वैक्यूम क्लीनर्स के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। आप छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ, आप घर में बिस्तर साफ करते हैं सोने से पहले, बिस्तर की चद्दर निकाली वहीं झाड़ी आपने बिछा दी, आपने ये नहीं सोचा जब बिस्तर की चद्दर आपने झाड़ी है तो उसमें से जो फाइन कण हैं जो निकले हैं, डस्ट माइट जो निकले हैं वो आपके कमरे में प्रदूषित करके आप उसी को सांस में लेने वाले हैं। हाँ सर, जो झाड़ेंगे तो वो हवा में वहीं तो रहेंगे और उसी में सांस में लेंगे आप। सही, तो हमने ऐसा बेड क्लीनर निकाला है जो, अच्छा बेड क्लीनर ही है वो। हाँ, ओके। हमने बेड क्लीनर निकाला है, बेड के ऊपर आप चलाइए, सारी मिट्टी को खींच लेगा और साथ में यूवी लाइट से सारे बैक्टीरिया को मार देगा आपके बिस्तर पे, आप चैन की नींद सो पाएंगे उससे। क्योंकि सर ये रियलाइज कर रहे हैं कि बड़ी बीमारियाँ एक तरफ हैं, ये जो पॉल्यूशन और इम्प्योरिटीज की वजह से जो हमारी डे टू डे वायरल्स, फ्लूज, इन्फ्लुएंजाज, एलर्जीज, इन्फेक्शंस, ये हमारी काम की क्षमता को बहुत कम करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, काम की क्षमता के अलावा बीमारी करती है, लॉन्ग टर्म बीमारी होती है। मैं इसको स्लो पॉइजन बोलता हूँ, साइलेंट किलर बोलता हूँ इसका। आप ये इफेक्ट नहीं कि आपने गंदी सांस ली है तो आपको कल आपको बीमारी हो जाएगी। हाँ। आपको बीमारी होगी 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद और धीरे धीरे करके आपके बदन को तकलीफ करती है। हाँ, इट्स लाइक जो इंसान कोई अगर तंबाकू के पदार्थ लेता है तो वो आज तो पीते कल तो बीमार नहीं पड़ता, पर वो फिर निश्चित है कि आगे चल के क्या हाल होगा। ये है, आप एक समझिए जो आपको तंबाकू के स्मोक से इफेक्ट होता है उससे उतना ही स्लो इफेक्ट आपको एयर पोल्यूशन से, और उतना ही स्लो इफेक्ट आपको पानी में घुली हुई अशुद्धियों से हो रहा है। सर बस अब कार्यक्रम के आखिर तक आ चुके हैं। डॉक्टर महेश गुप्ता, बड़ी लंबी लिस्ट है जी अवार्ड्स की, कैंट आरओ सिस्टम्स की एक पूरे अवार्ड्स की लिस्ट अलग है, आपकी पर्सनल एक अलग है, डिस्टिंग्विश्ड एल्युमिनस अवार्ड IIT कानपुर, वर्ल्ड क्वालिटी काउंसिल USA ने गोल्ड सील दिया है सर कैंट आरओ सिस्टम्स को, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की एक्रेडिटेशन मिली है, व्हाट नेक्स्ट सर, आगे क्या? देखिए हमारा पर्पस लाइफ में यह है कि जो हम प्रोडक्ट्स दें बाजार में वो अच्छे हों, हमें पता है अच्छे हैं, लेकिन हमारे अच्छे होने से कस्टमर को कॉन्फिडेंस नहीं आता, इसलिए हम दुनिया के बेस्ट सर्टिफिकेशंस के पास गए। हमने अपने प्रोडक्ट्स को IS बनाया, नेशनल सैनिटरी फाउंडेशन NSF USA से कराया, WQA USA से करवाया, ताकि हमारे प्रोडक्ट खाली हम ना अच्छा बोले, दुनिया भर के लेबॉरटरीज बोले वो अच्छा है। और इन सब चीज़ को देख के जब कस्टमर्स को उसको फ़ायदा मिलता है उससे और उसके पीछे अवार्ड मिलते हैं, तो मैं कहता हूँ अवार्ड मेरे लिए नहीं है, अवार्ड मेरे कस्टमर्स के लिए हैं कि उनका भरोसा है हमारे ऊपर, एक दूसरा लेबॉरटरीज का भरोसा है हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर। और ये अगर अवार्ड्स आए हैं तो हमारे कस्टमर की वजह से आए हैं, कस्टमर्स ने हमारे प्रोडक्ट को सहारा है और उन्होंने उसको अच्छा समझा है और लोगों ने अच्छा समझने के पीछे इस्तेमाल करके वो खुश हैं, तो हमें उससे खुशी मिलती है। बट मैं अभी भी ये कहता हूँ कि हमारा सफ़र अभी बहुत छोटा हुआ है, अभी हमें बहुत लंबा सफ़र तय करके हम चाहेंगे कि इस धरती के ऊपर कोई भी आदमी अच्छे प्रोडक्ट से वंचित ना रहे, चाहे हम बनाएं चाहे कोई और बनाए, कम से कम पानी की और हवा की बीमारियों से आदमी बचें। आई थिंक बहुत ही उत्तम सोच सर आपने मानवता के लिए दी है कि चाहे हम बनाएं चाहे कोई भी बनाए,
पर हर किसी को शुद्ध पानी शुद्ध हवा मिलनी चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर महेश। नमस्कार, थैंक यू। तो ये था खास मुलाकात डॉक्टर महेश गुप्ता के साथ। जल्दी आपके बीच दोबारा होंगे, तब तक जय हिंद।